स्वागत है आपका AUBSP के YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 168A जो कि एक नया सेक्शन CGST एक्ट 2017 में इंक्लूड किया गया है, इंसर्ट किया गया है। ठीक है, ये जो नया सेक्शन है उसको इंसर्ट किया गया है द टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑर्डिनेंस 2020। ये ऑर्डिनेंस होता क्या है, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? भाई जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है और ऐसा सर्कमस्टांसेस अराइज हो जाते हैं जो जिसपे इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता होती है, जैसे अभी COVID-19 के कारण जो है पूरे वर्ल्ड में ऐसा सिचुएशन है जहां पे जो पार्लियामेंट है अपने सेशन में नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में क्या है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होते हैं और इमीडिएट एक्शन की आवश्यकता होती है तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, पास किया जाता है, ऑर्डिनेंस जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो इस ऑर्डिनेंस में कुछ रिलैक्सेशन टाइम लिमिट से रिलेटेड जो है वो दिया जाता है, कुछ प्रोविजंस में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी कारण से एक नया सेक्शन CGST एक्ट में इंसर्ट किया गया, सेक्शन 168A। राइट, ये ऑर्डिनेंस जो है एक्चुअली जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का 123 का क्लॉज 1, आप आर्टिकल 123 क्लॉज 1 के वहां पे लिखा हुआ है, ये पावर मिलता है ऑर्डिनेंस पास करने के लिए, प्रेसिडेंट जो है वो पास करते हैं। तो खैर जो भी हो, ऑर्डिनेंस के बारे में अगर आप लोगों को ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो आपको के लिए क्या ऑर्डिनेंस है क्या एक्ट है मैं बता दूंगा, या फिर जो लेक्चर नंबर 3B है जो CA फाउंडेशन कोर्स के लिए मैंने अपलोड किया है तो वहां पे आप देख सकते हैं क्या एक्ट है क्या ऑर्डिनेंस है, वहां पे भी मैंने एक्सप्लेन किया है। राइट, तो आज हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली आपका सेक्शन 168A। यहाँ पे बहुत सारे एक्ट में कुछ चेंजेस आए हैं बट इस वीडियो में आपको मैं बात करूंगा, ये आपका रहा चैप्टर नंबर सेवन जो है ऑर्डिनेंस का, अमेंडमेंट टू द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। आफ्टर सेक्शन 168 ऑफ CGST एक्ट 2017 द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी इंसर्टेड। राइट, अच्छा ये ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी कब तक होता है, आपका 6 months का वैलिडिटी होता है। ये आपका 31st March को ये ऑर्डिनेंस इशू किया गया है, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। राइट, यानी कि सितंबर तक ये ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी है। अगर सितंबर के पहले पार्लियामेंट में ये पास नहीं होता है, एक्ट अमेंड नहीं किया जाता है, तो फिर से आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 6 months। ठीक है, पार्लियामेंट जब सेशन में आएगी तो ये क्या हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने सेक्शन 168A। अच्छा आपने ई बुक खोल लेते हैं, वहां पे मैंने अमेंडमेंट करके रखा है, इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है, तो वहां से हम लोग देखते हैं सेक्शन 168A। ये रहा अपना ई बुक ऑन GST। ठीक है, अप्रैल एडिशन, अभी अप्रैल एडिशन अगर आपके पास होगा तो उसमें नहीं होगा क्योंकि अभी ये मई एडिशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, इसको मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है, मई एडिशन जब आपके पास आएगा तो वहां पे मिल जाएगा। ये रहा आपका सेक्शन 168A। पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एक्सटेंड टाइम लिमिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, और ये कहां से इंसर्ट हुआ है, यहां पे देखिए मैंने ये भी लिख दिया है कि ये जो न्यू सेक्शन है सेक्शन 168A ऑफ CGST एक्ट was inserted by the taxation and other laws relaxation of certain provisions ordinance 2020, और 31st मार्च को ये ऑर्डिनेंस आया था। राइट, तो इस सेक्शन में लिखा क्या है, इस सेक्शन में लिखा गया है सबसेक्शन 1 में कि जो गवर्नमेंट है वो टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकता है, स्पेसिफाइड टाइम लिमिट जो है उसको एक्सटेंड कर सकता है नोटिफिकेशन के द्वारा, या फिर प्रिस्क्राइब जो टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड कर सकता है, या नोटिफाइड जो टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड कर सकता है
नोटिफिकेशन के द्वारा इस एक्ट में यानी कि सीजीएसटी एक्ट में ड्यू टू फोर्स मेजर, यानी कि अपने सबसेक्शन वन में क्या बोला है, सबसेक्शन वन में बता रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो काउंसिल जीएसटी जो काउंसिल है उसके रिकमेंडेशन पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टाइम को एक्सटेंड कर देगा नोटिफिकेशन के द्वारा। किसके द्वारा? नोटिफिकेशन के द्वारा वो टाइम लिमिट जो कि स्पेसिफाइड किया गया है या फिर प्रिस्क्राइब्ड किया गया है या फिर नोटिफाइड किया गया है, यानी स्पेसिफाइड किया गया है यानी कि कोई सेक्शन किसी प्रोविजंस में स्पेसिफाइड किया गया है, प्रिस्क्राइब्ड किया है किसी रूल्स वगैरह में, प्रिस्क्राइब्ड मींस रूल्स किसी रूल्स वगैरह में प्रिस्क्राइब किया गया, नोटिफाइड किसी नोटिफिकेशन के द्वारा जो है वो डेट एक्सटेंड किया जाता है या फिर बताया जाता है नोटिफिकेशन के द्वारा, तो उन सारे टाइम लिमिट को जो है वो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है टाइम लिमिट को। सेक्शन 168 सबसेक्शन 2, द पावर टू इश्यू नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल इंक्लूड द पावर टू गिव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू सच नोटिफिकेशन फ्रॉम द डेट नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट जो है यानी कि सीजीएसटी एक्ट जो है जब से एप्लीकेबल हुआ उस डेट से लेकर जिस डेट को नोटिफिकेशन ये इश्यू होगा उस डेट के ड्यूरिंग पीरियड में किसी भी डेट को ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से प्रोविजंस जो है वो इंसर्ट कर सकती है जो ये नोटिफिकेशन आएगा। सपोज ये जो सेक्शन आया है आपका, ये सेक्शन कब से इंसर्ट हुआ है? ऑर्डिनेंस के द्वारा 31 मार्च 20 से। यानी सपोज कल यानी कि आप 1 अप्रैल को अगर कोई नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन में किसी भी टाइम लिमिट को एक्सटेंड करता है गवर्नमेंट, तो वो कब तक एक्सटेंड कर सकता है विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? हो सकता है वो 20 फरवरी से इफेक्टिव कोई डेट हो या फिर 1 जनवरी से कोई इफेक्टिव डेट हो, वो यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो है वो इशू कर सकता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। राइट, इतना समझ में आ गया। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है? एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन फोर्स मेजर मींस अ केस ऑफ वॉर, दैट मींस वॉर हो, एपिडेमिक हो, फ्लड हो, ड्रॉट हो, फायर हो, साइक्लोन हो, अर्थक्वेक हो और कोई भी अदर क्लैमिटी कॉज्ड बाय नेचर और अदरवाइज अफेक्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो इन इन सिचुएशंस में जो है वो ये जो गवर्नमेंट है इस सेक्शन का प्रोविजन का यूज कर सकती है और टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकती है। ये प्रोविजन जो है ये एक्ट में लाना बहुत ही जरूरी था, अब आ गया है, हो सकता है विद इन 6 मंथ्स जो है वो इसको एक्ट में अमेंडमेंट करके ला दिया जाए। ये अमेंडमेंट हो गया है ये एक्ट, लेकिन ये अमेंडमेंट जो है ड्यूरेशन क्या है, सितंबर तक है। अगर सितंबर के पहले तक अगर पार्लियामेंट सेशन में आती है और इसे पास कर देती है तो वो परमानेंटली एक्ट बन जाएगा, अदरवाइज फिर विद इन आफ्टर 6 मंथ्स जो है इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तो इसको फिर से वैलिडिटी जो बढ़ाने के लिए फिर से एक ऑर्डिनेंस पास करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। राइट, तो सेक्शन 168A आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको पता चल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई भी अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।